कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मध्य प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत की। राजधानी भोपाल स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी सौंपा, साथ ही बच्चों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बच्चे बड़े उत्साह से आए हैं, यही बच्चे आगे मध्य प्रदेश को बनाएंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के शुरुआती दौर को भी याद किया, साथ ही सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। आज से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है 12 से 14 साल के बेटा बेटियों के लिए, और मैं देख रहा हूँ बड़े उत्साह से आए। डर तो नहीं लग रहा किसी को? बिल्कुल नहीं। देखो हमारे भांजे भांजी कितनी हिम्मत वाले, ताली बजा के इन बच्चों का एक बार स्वागत करें। लेकिन 23 मार्च को 2 साल पहले आज मैंने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, रात को 9 बजे शपथ ली, और 24 तारीख को सवेरे लॉकडाउन लग गया कोरोना की भयानक दिन से। बच्चे भी घरों में कैद हो गए, लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हम लड़े, मध्यप्रदेश में टीम बैठी, दिनों रात हमने काम किया। आप सब टीका लगवाएं, बाकी बच्चों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें, और सभी पालक माता पिता उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें, लगवाएं, ताकि कोविड की चौथी लहर अगर आए तो मेरे भांजे भांजी पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे, उनका खेल कूद चलता रहे।